अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एफ और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश, कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश हो तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे देखो चित्र में, तो कोण पी आर क्यू दिया हुआ है, तो इसका कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है, कोण 2 है, तो कोण 2 का मान ज्ञात करना है। जो दिया है उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कोण एस पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 135 अंश। देखो कोण एस पी आर कितना है, 135 अंश है, और कोण पी क्यू टी कितना है, 110 अंश। इसको भी लिख लो, पी क्यू टी बराबर 110 अंश। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज के अंदर को देखो तो यहाँ पे कोण 1 है, कोण 2, कोण 3 है। तो त्रिभुज में देखो पी क्यू आर में, तो हम यहाँ पे देख लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा भुजा आर क्यू को टी तक बढ़ाया, ठीक है, आर क्यू को टी तक बढ़ाया। तो यहाँ पे लिखो टी तक बढ़ाया। अब यहाँ पे देखो इस त्रिभुज के अंदर में तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे लिखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको इसको समझा के बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब क्या लिखना है। तो देखो कोण 1 है, यहाँ पे देखो कोण 1, तो कोण 1 के जस्ट इस पर क्या है, 110 अंश है। अगर मैं इस वाले मान को अगर मैं ना लूँ, कोण 1 को, इसके स्थान पे 110 लेते हैं, तो कौन कौन से मान विलुप्त हो जाएंगे, तो कोण 1 विलुप्त हो जाएगा और कोण और बराबर 110 180 अंश जो है ये विलुप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बचेगा, और इस पर क्या बचेगा, इस पर जो है ये भी गायब हो गया। इसके स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, कोण 1 के स्थान पे 110, तो ये आ जाएगा 110 अंश। तो ये लग गया बहिष्कोण नियम। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ साइड पे लिखना है हमें बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय लग गया। तो ये होता है बहिष्कोण प्रमेय, आगे और लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या लेना है, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर, उसी त्रिभुज में लेना है भाई, और कोई त्रिभुज नहीं है, सिर्फ यही त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज में फिर से हम क्या लेंगे, भुजा, भुजा देखो पी यहाँ पे क्यू और पी, क्यू पी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, एस तक। तो लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर सॉरी क्यू पी को एस तक बढ़ाया, एस तक बढ़ाया। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ भी वही नियम लगेगा। तो देखो पहले त्रिभुज के अंदर को लिख लेते हैं, कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, तीनों कोणों का मान 180 अंश, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, जब तक इसको लिखना है जो नीचे बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, आपको इसको लिखना है। अब यहाँ पे देखो कोण 3 है और यहाँ पे 135 है, तो अब किसको गायब करेंगे, हम लोग कोण 3 को गायब करेंगे और 180 को, इसके स्थान पे क्या आएगा, 180 के स्थान पर, तो इसके स्थान पे आ जाएगा जो यहाँ पे कुछ जो दिखाई दे रहा है 135 अंश, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 और बराबर के बाद 135 अंश। ये कौन सा नियम है, ये है बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। तो ये हो गया बहिष्कोण प्रमेय, आपको ये लिखना है। अब हमें फिर से त्रिभुज में देखना है, लगातार हर बार हमें त्रिभुज को ही देखना है, ठीक है। तो फिर से त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमें जो लिखना है ये पूरा लिखना है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर को देखो, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, 180 अंश, इसको लिखना है ना, ये वाला ओरिजिनल मान है। अब यहाँ पे हमें मान रखना है, यहाँ पे दे देते हैं इसको समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो पी क्यू आर में देखो इस मान में जो क्या रखना है, हमें कोण 2 और कोण 3 का मान रखना है। तो देखो कोण 2 और कोण 3 क्या है, इसके स्थान पे हमें क्या रखना है, इसके स्थान पे हमें रखना है 110। तो रख दो, तो कोण 1 प्लस एक कोण 2 और कोण 3 के स्थान पे क्या आ गया, 110 बराबर यहाँ पे क्या है, 180। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, अब देखो
यहाँ पे 110 को इस बार पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोण एक और ये 180, और ये उस पार चला गया तो ये हो गया 110, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 70 अंश। तो कोण एक का मान कितना है, देखो जो कोण एक है इसका मान प्राप्त हो गया हमें 70 अंश। क्या हमें कोण एक का मान ज्ञात निकालना था, नहीं कोण एक का मान नहीं निकाल, कौन सा निकालना है कोण दो का। तो अभी और आगे हल होगा, ठीक है अब और आगे हल कर देते हैं। तो फिर से हम क्या लेंगे, फिर से त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे, ठीक है। अगर हमें इनमें से देखो एक का मान निकल गया, अब हम क्या करेंगे इनमें से एक का और मान निकालेंगे तो दो का निकलेगा, तीसरा ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा में फिर से हमें वही लिखना है, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कितना है 180 अंश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं दूसरा समीकरण, देखो ये दूसरा समीकरण, तो कोण एक और कोण दो बराबर कितना मान रखना है 135 अंश, तो रख दो। तो ये कोण एक की जगह में हमें रखना है, इन दोनों के स्थान पे हमें कितना रखना है 135 अंश। अब ये क्या है, कोण तीन का मान तो नहीं दिया है, हमें इसको ज्ञात करना है, तो कोण तीन को जैसा है वैसा ही रखो और ये 180 अंश। अब इसको भी उस पर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोण तीन और ये 180 अंश, ये उस पार चला गया तो ये हो गया 135 अंश, और यहाँ पे घट जाएगा तो घटने पे कितना बचेगा, तो घटने पे आएगा यहाँ पे ये 5 और ये 4 45 अंश। तो कोण तीन का भी मान प्राप्त, देखो कोण एक का मान प्राप्त हो गया, कोण तीन का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात किसका करना था, कोण दो का, तो कोण दो बस के मान को अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में, थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, इतना काफी है। तो कोण पी सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश। कोण एक का मान कितना है, देखो कोण एक का मान आया 70 अंश, तो यहाँ पे लिखो 70 अंश। और कोण दो का मान दिया है क्या, तो दो का मान हमें ज्ञात करना है, और कोण तीन का मान कितना है देखो 45 अंश, तो लिख दो 45 अंश और ये हो गया 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो 70 और 45 कितना होगा, तो ये हो गया 7 × 3 = 10 115 अंश प्लस कोण दो बराबर हो गया 180 अंश। इसको उस पर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोण दो और ये 180 अंश, उस पर पक्षांतर होके चला गया 115 अंश, तो बचा यहाँ पे बराबर 65 अंश। और कोण दो का मान मतलब ये कौन सा है, कोण कोण पी आर क्यू का मान है, ठीक है। तो ये पी को पी आर क्यू का मान है, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। समझ में आया आपको ये। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 को। प्रश्न क्रमांक 5 है, दी गई आकृति में कोण जेड जेड एक्स वाई बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश है, तो यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो हमें दो कोणों का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है कोण जेड एक्स वाई, देखो कोण कहाँ पे, जेड एक्स वाई कितना है 62 अंश, तो ये है 62 अंश, इसको थोड़ा साइड पे लिखते हैं, ये 62 अंश। और कौन से कोण का मान दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश, तो इन दोनों कोणों का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक किरण है, ठीक है, किरण कौन सा है, यहाँ से वाई और ओ एक किरण है, इस किरण में देखो कोण एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड को दो भागों में बांटता है, देखो ये दो भागों में बांट रहा है, यहाँ पे जो कोण है एक्स वाई, जो एक्स वाई जेड कोण को कितने भागों में बांट रहा है, दो भागों में, देखो दो भागों में बांट रहा है, तो एक कोण बन रहा है एक और एक कोण बन रहा है दो, तो इसको हम कहते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कि समद्विभाजक का मतलब समान समान भागों में बांटना, जितना इस पार कोण का मान रहेगा उतना इस पार भी कोण का मान रहेगा। तो यहाँ पे लिखो किरण वाई ओ, किरण वाई ओ कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को समद्विभाज, सम
द्विभाजक, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब समझ गए कि ये जो कोण है इसके बीचों बीच गया है, और इस जो एक्स वाई, जो एक्स वाई जो जेड कोण है, इसको दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में बांटा मतलब समद्विभाजक हुआ। तो समद्विभाजक का मतलब है कि जितना इस कोण का मान रहेगा, देखो दो भागों में बांटने पर एक कोण यहाँ पे बना, तो कोण एक का मान जितना रहेगा उतना ही कोण दो का मान भी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कोण एक बराबर कोण दो। ठीक, समझ में आ रहा है, मतलब जितना एक कोण है उतना ही कोण दो है, इसको दे देते हैं समीकरण एक। उसके बाद देखो यहाँ भी एक कोण है, इसको भी लिख लेते हैं। तो किरण, किरण एक्स जेड वाई, किरण पहले किरण लिखो, किरण कौन सा है, जेड ओ, तो किरण है जेड ओ। उसके बाद कोण कौन सा है, एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजक, समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही होगा। तो देखो ये कोण तीन है, जितना कोण तीन रहेगा उतना ही कोण कौन सा रहेगा, चार भी रहेगा, और इन दो, इनको क्या करें, इनको भी दो भागों में काट रहा है। तो यहाँ पे लिखो कोण तीन बराबर कोण चार, इसको दे देते हैं समीकरण दो। अब हमें देखना है त्रिभुज में, त्रिभुज कौन से, एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में देखना है, तो देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, फिर जेड एक्स वाई, फिर कोण लिखो जेड एक्स वाई, बराबर तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। फिर यहाँ पे देखो जो जो कोण का मान दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है, देखो कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है, 54। तो लिख लो, तो ये आ गया 54 प्लस कोण वाई जेड एक्स का मान दिया है क्या, नहीं, तो इसको क्या लिखना है, जैसा है वैसे लिख लेते हैं। फिर देखो कोण जेड एक्स वाई का मान कितना दिया है, 62, तो इसका मान लिख लेते हैं 62 अंश, और ये हो गया 180। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ो तो कितना आ गया, ये 4 और 2 6 हो गया, और ये 5 और 6 11, तो ये इतना अंश हुआ, 116 अंश। कोण वाई जेड एक्स बराबर 180 अंश। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ये जो मान है उसको उस पार पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोण वाई जेड एक्स बराबर 180 के पार चला गया 116, तो यहाँ पे आया कोण वाई जेड एक्स का मान आएगा, ये घट गया, तो ये हुआ 4, और ये घट के आ गया यहाँ पे 6, तो ये आ गया 64 अंश। तो कोण वाई जेड एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया, 64 अंश। अभी भी हमारा जो मान है वो प्राप्त नहीं हुआ है, वो मान कहाँ से प्राप्त होगा, हमें क्या का मान ज्ञात करना है, कोण तीन का मान ज्ञात करना है, और इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हमारा मान जो है आसानी से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो कोण है, ठीक है, कोण कौन कौन सा है, कोण एक और कोण दो, तो यहाँ पे लिखो कोण एक, अब यहाँ पे लिख लो, अब कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना होगा, इन दोनों कोणों का मान कितना है, देखो इन दोनों कोणों का मान 54 है। भाई दो भागों में बांट रहा है ना, यहाँ पे दो भागों में बांट रहा है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो देखो कोण एक्स वाई जेड, इन दोनों का मिला जुला मान कितना है, 54 है। तो 54 है तो इसको आधा यहाँ पे जाएगा आधा यहाँ पे जाएगा, तो उसको हम निकालते हैं, तो ये हो गया 54 अंश। अब देखो कोण एक बराबर कोण दो होता है, तो यहाँ पे देखो कोण एक, और जहाँ पे कोण एक कोण दो है उसके स्थान पे भी कोण एक हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया कोण एक कोण प्लस कोण एक, और ये हो गया 54। अब ये दोनों जुड़ के कितना हो, कोण कोण एक दो कोण हो गया, और कोण एक को दो भाग हो गए, और ये आ गया 54 अंश। ये नीचे में आ जाएगा तिरिया गुणा के रूप में, तो ये हो गया 2 से डिवाइड कर देगा इसको, और ये प्राप्त हो गया हमें 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 27 अंश हमें प्राप्त हो गया। तो कोण एक का मान कितना प्राप्त हुआ, 27, तो कोण एक का मान 27 अंश प्राप्त हो गया, तो कोण दो का मान भी 27 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखो कोण एक बराबर कोण दो बराबर 27 अंश, दोनों कोणों का मान कितना है, कोण एक का भी 27, कोण दो का भी 27। अब हमें निकालना है फिर से, तथा अब हमें निकालना है कोण तीन और कोण चार का मान। तो कोण तीन
प्लस कोण 4 बराबर कितना है, इन दोनों कोणों का मान कितना प्राप्त हुआ, देखो इन दोनों कोणों का मान प्राप्त हुआ है 64 अंश, तो यहाँ पे लिखो 64 अंश। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम, तो यहाँ पे अब देखो इसका मान कितना है 64 अंश। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कोण 3 और कोण 4, तो कोण 4 की जगह में हम कोण 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि दोनों मान बराबर है, तो उसके स्थान पे भी हमने कोण 3 के स्थान पे कोण 4 के स्थान पे कोण 3 रख लिया, और ये 64 अंश, ये हो जाएगा 2 कोण 3 बराबर, दोनों जुड़ गए तो जुड़ के 2 आ गया, और कोण 3 है तो कोण 3 का कोण 3 रहेगा, और ये हो गया 64 अंश, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा अगर तिरिया गुणा के रूप में, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोण 3, और ये 64/2 कट गया, कटने के बाद होगा 2 तिया और 2 दूनी तो 32 अंश, तो हमें प्राप्त हो गया कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 32 अंश। तो मतलब जितना कोण इसका मान रहेगा उतना ही कोण इसका भी मान रहेगा, तो 3 के बराबर 32 अंश और कोण 4 के बराबर भी 32 अंश प्राप्त हो गया। अब हमें ये हमारा जो एक आंसर हमें निकल गया, ठीक है, क्योंकि कोण 3 का मान हमें ज्ञात करना था, तो कोण 3 का मान 32 अंश आया, एक मान निकल गया। अब हमें एक और मान निकालना है, कौन से कोण का, तो देखो यहाँ पे जो ओ है वहां पे इनका ही मान बस हमें और ज्ञात करना है, तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखो त्रिभुज, त्रिभुज वाई ओ जेड में, ठीक है, जो ओ वाला है वहां पे, यहाँ से त्रिभुज तो गायब हो गया है, आप वहां पे देख लेना, ठीक है, थोड़ा पीछे करके, तो वहां पे त्रिभुज क्या है वाई ओ जेड में हमें देखना है, और वाई ओ जेड में कौन कौन से कोण दिए हुए हैं, तो कोण कोण 1 दिया हुआ है, प्लस कोण 3 दिया हुआ है, प्लस जो ओ का मान है उसको हमें ज्ञात करना है, मतलब ओ वाले, तो वहां पे कोई भी कोण का कोण नहीं दिया है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे कोण वाई ओ जेड लिखेंगे बराबर 180 अंश, तो तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो कोण 1 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, तो देखो कोण 1 का मान हमें प्राप्त हुआ 27 अंश, तो यहाँ पे लिख लो 27 अंश, और कोण 3 का मान कितना प्राप्त हुआ 32 अंश, तो ये 32 अंश लिख लो, और इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया 180 अंश। ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, ये 9 और ये 5, 59 अंश प्राप्त हुआ, प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। फिर इसको उस पार पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोण वाई ओ जेड, पक्षांतर करके उस पार चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गया प्लस में था तो उस पार जाके माइनस होगा, तो कोण वाई ओ जेड बराबर यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 1 और ये प्राप्त होगा 2 और 1, 121 अंश, तो कोण वाई जेड का मान कितना प्राप्त हुआ 121 अंश। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम अगले भाग में देखेंगे।